असलाकुम नाजरीन नाजरीन कभी कभी ऐसे होता है कि हम आइसक्रीम खा रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या फिर चाय के साथ अपनी पसंद की कोई मीठी चीज खा रहे हो और हमें एकदम दांतों में शदीद दर्द हो ऐसे कंडीशन को सेंसिटिविटी ऑफ टीथ कहते हैं आइए देखते हैं इसकी क्या वजुहत हो सकती है नॉर्मली दांत की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको इनेमल कहते हैं ये डेड लेयर होती है इसके नीचे दूसरी सेंसिटिव लेयर होती है जिसको डेंटीन कहते हैं इनेमल सिर्फ गम्स के लेवल तक एक्सटेंडेड होता है किसी वजह से दांत की सेकेंड लेयर डेंटीन अगर एक्सपोज हो जाए तो दांत सेंसिटिव हो जाते हैं आइए देखते हैं डेंटिन के एक्सपोज होने के या सेंसिटिविटी के क्या क्या कॉजे हो सकते हैं इसमें सबसे पहली कॉज इनेमल के हटने की यानी कि दांत में अगर कैविटी हो जाए और आउटर लेयर इनेमल हट जाए तो नीचे सेकंड लेयर डेंटिन एक्सपोज हो जाए तो सेंसिटिविटी होगी दूसरी रीजन हमारे पास दांतों से मसूड़ों का हटना यानी दांतों से जो गम्स हैं वो रूट की तरफ हटना शुरू कर दें और रूट की जो सेंसिटिव लेयर लेटीन है वो एक्सपोज हो जाए तो दांतों पे ठंडा मीठा और गर्म लगना शुरू हो जाएगा एक और कॉमन वजह हार्ड ब्रश का यूज है उसकी वजह से दांतों की जो आउटर लेयर है इनेमल वो घिस जाती है वहां पे ब्रजन का अमल होता है और उसके हटने से सेकंड जो लेयर है डेंटीन वो एक्सपोज हो जाती है और इस तरह से भी सेंसिटिविटी कॉज होती है नाजरीन सेंसिटिविटी से बचने के लिए चंद सिंपल प्रिकॉशंस हैं जिनको अपनाके हम इससे बच सकते हैं आइए देखते हैं वो क्या है सबसे पहली प्रिकॉशन ब्रशिंग से रिलेटेड है अगर प्रॉपर ब्रशिंग होगी हमारी आउटर लेयर इनेमल प्रिजर्व रहेगा डेंटिन एक्सपोज नहीं होगी कैबिटी नहीं होगी और हमें सेंसिटिविटी नहीं होगी सेकेंड प्रिकॉशन है हार्ड ब्रश का इस्तेमाल ना करना क्योंकि हार्ड ब्रश के इस्तेमाल से हार्ड गम्स जो हैं वो रूट की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं और रूट का सेंसिटिव पोर्शन एक्सपोज हो जाता है नाजरीन अगर खुदा ना खासा आप सेंसिटिविटी से सफर करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आइए हम एक्सपर्ट से रुझू करते हैं ट्रीटमेंट में अगर तो केरीज की वजह से है तो डेफिनेटली उसकी फिलिंग होनी होगी डिके रिमूव होना होगा या सेकेंड फेज में रूट किनाल होना होगी वरना हम वो दांत भी लूज कर जाएंगे इसी तरह जो गम्स ट्रीटमेंट है गम्स का प्रॉब्लम है उसमें उसकी पॉकेट्स जो दांतों में बन गई हैं इन्फेक्शन से वो इन्फेक्शन हैज़ टू तो बी क्लियरड आउट अगर वो इन्फेक्शन वहाँ सस्टेन करेगी तो उससे सेंसिटिविटी जैसे मैंने कहा कि कुछ माउथ वाश टूथपेस्ट से शायद रुक जाएगी लेकिन वो जो डैमेज कर रही है वो जो बीमारी है वो उस दांत को एवेंचुअली ख़त्म कर देगी दूसरी इसी तरह जो एब्रेशंस हैं ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज होना ज़रूरी है अगर आपकी सेंसिटिविटी रुक जाती है इट डज़ नॉट मीन कि आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है इसलिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी को ख़त्म करने में या उसको रोकने में टम्प्रेरी बेसिस पे जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उसमें कुछ फ्लोराइड टूथपेस्ट हैं इसी तरह फ्लोराइड रिंसेज हैं जेल्स होती हैं माउथ वाशेज़ हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेकिन आई वुड अगेन रिकमेंड कि आपको एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट से कंसल्टेशन करके उन चीज़ों को अपनाएं क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा एक रिवाज है जिसके कि नुकसान हमारी सेहत पे इन जनरल बहुत ज्यादा हो रहे हैं नाजरीन दांतों की लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग करें फ्लॉसिंग करें और कम अज़ कम छः माह बाद डेंटस्ट से चेकअप जरूर कराएं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेगमेंट में सेंसिटिविटी से बचने की तदाबीर को आप अपनाएंगे सो कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग व्यू टेलीविजन नेटवर्क अल्लाह हाफ